बजट के हिसाब से बजाओ। अच्छा तो शादी विवाह, अपने देश में शादियां और वेडिंग रिसेप्शन ये उत्सव की तरह है। पुराने जमाने में तो बारात एक एक हफ्ते रुकती थी, टाइम बहुत था, सवेले थे, चलो चलो। एक रिश्ता तय हो रहा था, लड़की वाले लड़के वाले बैठे हैं, अंगूठी वगैरह पहनाई गई, तभी लड़के के काका बोले, चलो अच्छा हुआ लड़का खाते पीते घर का है। काकी बोली, हाँ मगर देख लेना कहीं पीता खाता ना हो। और मैंने कई बारातों में देखा, बारात चाहे नासिक से आए, चाहे कोल्हापुर से आए, चाहे इलाहाबाद से आए, चाहे अहमदाबाद से आए, जब बारात आती है बस से सारे बाराती उतर रहे हैं, उस समय सब नॉर्मल हैं। हेलो हेलो हेलो, लड़की वाले आ गए, भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, आइए। एक घंटे बाद इन्हीं को फिर मिलो, ये दूल्हे के मौसा हैं। ज़्यादा नाटक मत कर, दो तीन पिनाऊंगा। और मैंने देखा है बारात में नाचना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे नाचने की जगह ना हो। बारात जा रही पतली गली है, सकरी पतली गली, बीच में गटर है मगर उसमें ढक्कन नहीं है। गटर मुंह खोल के इंतज़ार करता है बारात का, आओ आ जा आ जा। हाँ अब इनके बीच में बारात जा रही है, जी कैसे डांस करें यार, ये जगह जगह गटर है, गटर में ढक्कन नहीं है, कहीं टपक गए तो? यार अजीब आदमी हो यार, वो गटर को दोनों पैर के बीच में ले लो, लोग समझेंगे ऋतिक रोशन का कोई नया स्टाइल आया है। मौसा मामा जी, दो बाराती अंदर हैं। बाराती क्या बोल रहे हैं? नाटक नाटक मत कर, तू वनटक कर, हम लोग दूसरी बारात के हैं। शादियों में जो दुल्हन की बहन होती है वो एक ही जगह सर्व करती है, कहाँ पे, किसकी टेबल पे आएगी सर्व करने? अपने जीजा जी की। इतना बड़ा डोंगा लेगी, उसमें गुलाब जामुन या रसगुल्ला सिर्फ दो पीस वो लेके आएंगी, पूरा साली स्टाइल में इतराती हुई, जीजा जी हेलो इट्स मी जीजू। वो दिल में कह रहे, हाँ बोलना जीजू, एक रसगुल्ला मेरी तरफ से नो, लेना पड़ेगा। सोच लीजिए एक ही साली हूँ, इट्स अप टू यू। नो, लेना पड़ेगा। दूल्हा कंफ्यूज हो जाता है, दूल्हा दोस्तों को बोलता है, अबे उसको कैंसिल करके इसी को ले चलें क्या? और एक चीज समझ में नहीं आती मुझे आज तक, डेकोरेशन जबरदस्त, ऑर्केस्ट्रा, फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े गायक आए हुए हैं शादी में, खाने का अरेंजमेंट अच्छा, कुक, रसोइये बहुत महंगे महंगे आए, 500 बाराती, 500 घराती और 1000 लोगों के बीच में टॉयलेट सिर्फ दो, वहां पे ध्यान नहीं देते, पता नहीं कोई समझाता नहीं इनको। अब वहां बारातियों की लाइन लगी रहेगी, कोई गया अंदर सुकून से, बाहर लाइन लगी, वहां जबरदस्ती की बातें होती हैं, पता नहीं ऊपर से झांक के क्यों देखते। और एक सवाल आज तक मेरी समझ में नहीं आता है कि टॉयलेट के बाहर ये लोग क्यों पूछते हैं, कौन गया भाई पीछे क्यों? नाम बताएंगे तेरे को मालूम पड़ेगा? नाम से क्या तेरे को मालूम पड़ता है वो कितना टाइम लेगा? क्या मतलब, अशोक है तो जल्दी आएगा, दिनेश है तो टाइम लगाएगा, महेश है तो लूज मोशन चालू है। ये जबरदस्ती की बातें हर शादी में होती है।